हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 104 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा विनाइल पॉलीमर्स, विनाइल बहुलक। विनाइल पॉलीमर्स पढ़ेंगे बेटा। तो विनाइल पॉलीमर्स में बेटा हमने बहुत सारे पॉलीमर्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसे कहते हैं हम PVC। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली किसलिए कहा, ये N ये है इंडिकेट करता है यहाँ पर बेटा कि यहाँ पर ये विनाइल क्लोराइड के N मोल है, बहुत सारी ये यूनिट है, ऐसी एन यूनिट हो सकती है। इसलिए एक होगा तो मोनो, दो होगा तो तीन, सॉरी डाई, तीन होगा तो ट्राई, लेकिन एन का मतलब है मोर देन 1 2 3 4, अधिक संख्या। तो इसलिए हमने नाम दे दिया पॉली और ये है विनाइल क्लोराइड, तो हो गया पॉली विनाइल क्लोराइड। देखिए आप, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक। ये है बेटा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड। अब ऐसे एन मोल लेंगे तब ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड यहां पर आ गया और एक बॉन्ड इसका यहां पर आ गया। तो एन मोल का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए, बहुत सारी यूनिट ली है, क्योंकि पॉलीमर का मतलब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स। तो ये मोनोमर यूनिट क्या है इसकी, विनाइल क्लोराइड, विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड की मोनोमर यूनिट है, एक लग इकाई, ठीक। अब देखते हैं बनाते कैसे, तो हेडिंग डाल दीजिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो बेटा विनाइल क्लोराइड को बेंजोइल परऑक्साइड, विनाइल क्लोराइड को बेंजोइल पर ऑक्साइड के साथ या की उपस्थिति में, सॉरी, विनाइल क्लोराइड को बेंजोइल पर ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है, अर्थात PVC बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। यही लिखा है विनाइल क्लोराइड बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर पॉलीविनाइल क्लोराइड देता है। अच्छा, यह कौन सी पॉलीमराइजेशन है, तो लिखेंगे यह फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन है, अर्थात यह मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण है। ये क्या है, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। रिएक्शन देख लीजिए, ये है विनाइल क्लोराइड, ये है बेटा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड के एक दो मॉलिक्यूल तो पॉलीमर नहीं बनाएंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए, इसलिए संख्या नहीं लिखकर हमने एन मॉलिक्यूल ले लिए। एन मोनोमर यूनिट ऑफ विनाइल क्लोराइड फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक। देख लीजिए, ये गर्म करने पर ये बन गया, ये क्या है PVC अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक। अब देख लेते हैं बेटा यूजेज क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड के। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जल प्रतिरोधक होता है। जल प्रतिरोधक से मतलब क्या है बेटा, मतलब यह है कि जल को अपनी सरफेस से अपने बल्क में प्रवेश नहीं होने देता, अपनी सरफेस से अपनी बल्क में प्रवेश होने का विरोध करता है, इसलिए यह कहला दिया कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक जल प्रतिरोधक है या जल का विरोध करता है। जल का विरोध करने का मतलब देखिए आप, आपने देखा होगा आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जनरली जो हमारे
स्मार्ट कार्डेड होते हैं वो क्या है, पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, यदि आपका आधार कार्ड पीवीसी से बना हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना हुआ है, तो आप पानी में भी डाल देंगे तो खराब नहीं होगा, क्योंकि वाटर उसकी बल्क में एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जल प्रतिरोधक है। इसलिए सदैव पीवी से बने हुए क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड ये यूज करने चाहिए। ठीक, आपने ये भी देखा होगा जो रेनकोट होते हैं बेटा, रेनकोट, बरसाती कोट, उनमें भी का यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, अर्थात वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवी से ही बनते हैं, क्योंकि पानी अंदर तक ना जा पाए, वो विरोध करते हैं पानी का। ठीक है, इसलिए अच्छा जितने भी बाथरूम होते हैं हमारे, तो बाथरूम में बेटा पानी जब गिरता है तो वो जिससे दीवारें या पर्दे खराब हो सकते हैं, यदि मान लीजिए किसी दूसरे उसका पर्दा हमने लगा दिया तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि कपड़े का पर्दा लगा दिया वो पानी वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन पीवीसी का अगर पर्दा लगा हुआ होगा तो बेटा वो आसानी से खराब नहीं होगा। इसलिए बाथरूम में, स्नान गृह में हम काय के पर्दों का प्रयोग करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के पर्दे बनाने में। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने हुए पर्दों का यूज करते हैं। तो ये दो चार यूजेस थे इसके। पहला यूज पॉलीविनाइल क्लोराइड जल प्रतिरोधक होता है, ये बता दिया था हमने। दूसरा भी बता दिया था पीवीसी का यूज रेनकोट अर्थात बरसाती कोट तथा स्नान गृह यानी बाथरूम के पर्दे बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग फर्नीचर, आजकल फर्नीचर में पीवीसी मिला देते हैं फर्नीचर्स में, ठीक है, ताकि फर्नीचर्स वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए और जल्दी खराब ना हो। तो फर्नीचर्स में टॉयज, खिलौने भी बेटा ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें पीवीसी हो, वो भी पानी से खराब ना हो। क्रेडिट कार्ड, कार्ड तो मैंने बताया था जनरली पीवीसी का ही लेना, ठीक, महंगा तो पड़ता है लेकिन ये सही है, वाटर के अगेंस्ट काम करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता पानी से, क्रेडिट कार्ड पीवीसी बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ यूजेस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड अर्थात पीवीसी। अब हम बेटा दूसरा विनाइल पॉलीमर, पहला विनाइल पॉलीमर हमने पढ़ लिया है क्या पीवीसी, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। दूसरा पढ़ेंगे बेटा दूसरा है पॉली स्टाइरीन। दूसरा पॉलीमर है आपका विनाइल पॉलीमर पॉली स्टाइरीन CH2CH C6H5N। ये क्या है बेटा, यही तो है पॉली स्टाइरीन, यही है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन तो लिखेंगे। बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, इसके बनाने की विधि लिख दीजिए बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन,
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। पॉलीविनाइल स्टाइरीन या पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन एक सिंथेटिक विनाइल, सिंथेटिक विनाइल पॉलीमर होता है, सिंथेटिक विनाइल पॉलीमर होता है, सिंथेटिक विनाइल पॉलीमर है या होता है, जो बैंड जॉइन, जो बेटा बैंड जॉइन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में स्टाइरीन के बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक, अब स्टाइरीन क्या है? स्टाइरीन है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, यह स्टाइरीन। अब स्टाइरीन के एन मोल ले लिए हमने, एन मॉलिक्यूल ले लिए बेटा स्टाइरीन के, और बेंजोइक ऑक्साइड, बेंजोइन परोक्साइड, बेंजोइन परोक्साइड, बेंजोइन परोक्साइड की उपस्थिति में हमने क्या करवा दिया इसका पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, तब बन गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C6H5। अब ये चेन ऐसे पड़ती आएगी और यही यूनिट और आगे जुड़ती आएगी, ठीक है, ये एन मोल ले ली, ये बन गया आपका पॉली स्टाइरीन, नोट कर लीजिए, ये बन गया आपका पॉली स्टाइरीन। तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।